हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक दूसरा चैप्टर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ रिलेट करती है हमारे रोज के जो हम मेडिसिंस वगैरह खाते हैं, या फिर आर्टिफिशियल चीज़ें वगैरह जो खाते हैं, या हम सोप्स या डिटर्जेंट या स्वीटनिंग एजेंट्स, जिन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रग्स और मेडिसिन की। ड्रग्स कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का एक्सटर्नल इफ़ेक्ट लेके आए, उसे ड्रग बोलते हैं। और अगर वो ड्रग यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो, तो उसको फिर हम मेडिसिन बोलते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में। पहला है एंटेसिड। एंटेसिड वही ड्रग होता है जो हमारे पेट में से एक्सेस एसिड को ख़त्म करता है। सुबह सुबह खाली पेट कई बार हमें डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है, तो उनको हम एंटेसिड कहते हैं। एंटेसिड के डेफिनेशन और एग्जांपल, किसी भी ड्रग के बारे में जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल इज मस्ट। तो पहला है एंटेसिड। एंटेसिड के एग्जांपल हैं हिस्टामाइन, और दूसरा है सिमेटिडाइन। तो आपको इनके एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी याद रखने हैं और डेफिनेशंस भी पढ़नी है। दूसरा है एंटी हिस्टामाइन्स। एंटी हिस्टामाइन्स मेनली यूज़ किए जाते हैं एलर्जीज़ को ख़त्म करने के लिए। जैसे बहुत सारे लोगों को किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो उसके कारण उनकी बॉडी अलग तरीके से बिहेव करने लगती है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो उनको हटाने के लिए जो मेडिसिन का यूज़ किया जाता है उसको कहा जाता है एंटी हिस्टामाइन। तीसरा है ट्रैंक्विलाइज़र। ट्रैंक्विलाइज़र एक मेडिसिन है जो कि बहुत ज़रूरत है अपनी क्लास के पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए। ट्रैंक्विलाइज़र यूज़ किया जाता है मानसिक संतुलन को ठीक करने के लिए। तो बहुत सारे हैं, अब हर शॉट उठाएगा कहेगा सर हम नहीं, तो मगर हैं कुछ ऐसे हैं जो जिनका समझ सकते हैं आप लोग। चौथा है एनल्जेसिक्स। एनल्जेसिक्स होते हैं मेनली पेन किलर्स की तरह इनको यूज़ किया जाता है, या फिर नर्वस सिस्टम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है एनल्जेसिक्स को। नेक्स्ट है एंटीपायराइट्स। एंटीपायराइट्स एक ऐसी दवाई है जो कि आज तक हर किसी ने कभी ना कभी खाई होगी। एंटीपायराइट इज़ यूज्ड टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर। बुखार होता है तो बुखार में हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए जिस दवाई का यूज़ किया जाता है उसको एंटीपायराइट्स कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल एस्प्रिन या फिर पैरासीटामोल। नेक्स्ट इस एंटीमाइक्रोबियल्स। एंटीमाइक्रोबियल्स वो होती है जो कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई से होने वाली बीमारियों को क्योर करते हैं। अच्छा, इस पे एक सवाल याद आया बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स किसी भी तरह की बीमारी को करते हैं तो उन ऑर्गेनिज़म्स को क्या कहते हैं? अगर आपको नहीं आ रहा है तो बहुत ज़रूरत है आपको पढ़ने की, उनको पैथोजेंस कहा जाता है। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या फिर ऐसे कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, उनकी बीमारियों को क्योर करने के लिए जो ड्रग यूज़ किया जाता है उसको एंटी माइक्रोबियल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक नॉर्मली हम यूज़ करते हैं किसी भी तरह का बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस है उनके ग्रोथ को रोकना, या फिर उनको बॉडी के अंदर ही किल करने के लिए अगर किसी ड्रग का यूज़ किया जाता है तो उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक सबसे पहला सबको पता ही होगा, पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो नेक्स्ट ये था एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को समझाने के लिए पहले उनका एक एग्जांपल समझना बहुत ज़रूरी है।
एंटीसेप्टिक है डेटॉल और डिसइंफेक्टेंट है लाइजॉल। डेटॉल को हम घर की सफाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं मगर लाइजॉल को हम चोट पर नहीं लगा सकते। डेटॉल एक माइल्डर वर्जन होता है किसी भी कीटाणु को मारने के लिए यूज़ किए जाने वाला, और डिसइंफेक्टेंट होता है उसका गाढ़ा वर्जन। तो हम एंटीसेप्टिक को डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं मगर डिसइंफेक्टेंट को हम कभी भी एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट किसी भी लिविंग टिश्यू या लिविंग सेल के ऊपर बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग वही ड्रग है जो कि हमें किसी भी तरह से अगर बर्थ कंट्रोल करना है तो हम इस ड्रग से, एंटी फर्टिलिटी ड्रग की मदद से बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ थे ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स जिनको हम यूज़ करते हैं। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स पे। तो सबसे पहला आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है सैक्रीन। सैक्रीन सभी ने सुना होगा, ये 550 टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर होता है और ये मेनली बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाउंड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। दूसरा है एस्पर्टेम। एस्पर्टेम जो है वो 100 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर होता है शुगर से। ये कुकिंग में यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाता है, इसीलिए ये केवल सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक्स में ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एलिटेम। एलिटेम 2000 टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर होता है। ये वन ऑफ द स्वीटेस्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है। चौथा है सुक्रलोज। सुक्रलोज 600 टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर होता है और ये वन ऑफ द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स है जो कि यूज़ किया जा सकता है एज अ फूड, मतलब खाने में पकाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स तीन तरह के होते हैं मेनली, नॉन आयनिक, एनायनिक और कैटायनिक। सबसे पहले नॉन आयनिक की बात करते हैं। डिटर्जेंट्स के अंदर एक अमाउंट ऑफ एनायन होते हैं और अमाउंट ऑफ कैटायन भी होते हैं। तो जब अमाउंट ऑफ एनायन और कैटायन एक बराबर हो तो उसको बोलते हैं नॉन आयनिक। दूसरा होता है कैटायनिक। कैटायनिक के अंदर अमाउंट ऑफ कैटायन ज़्यादा होता है और अमाउंट ऑफ एनायन कम होता है, इसीलिए इसको कैटायनिक डिटर्जेंट बोलते हैं। और तीसरा है एनायनिक डिटर्जेंट जिसमें एनायन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और कैटायन की मात्रा कम होती है। तो ये होते हैं तीन तरह के डिटर्जेंट। अब बात आती है डिटर्जेंट और सोप में डिफरेंस। सबसे पहली बात, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी झाग प्रोड्यूस करता है, इट कैन प्रोड्यूस लेदर इवन इन हार्ड वाटर, बट सोप कैन नॉट। दूसरा एक प्रॉफिट है डिटर्जेंट का यूज़ करने का ओवर सोप्स, दैट डिटर्जेंट डू नॉट डिस्ट्रॉय द डेलिकेट पार्टिकल्स ऑफ डेलिकेट क्लोथ्स, मगर सोप्स ऐसा कई बार कर देते हैं, इसीलिए वी प्रेफर डिटर्जेंट्स ओवर सोप। थैंक यू।